नमस्कार मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। तो दोस्तों, मैं अपने फार्म पर ही हूँ और आज का अपडेट एक है कि मतलब हमने गाय इतनी सारी लाया, उसमें से कौन सी गाय कैसी है। लगभग सभी गाय जाने तो ठीक है, क्योंकि खुद हम लोग लिए है, कोई ज़बरदस्ती दिलाया नहीं है। पैसे की रही बात, पैसा तो फंस जाता है, इधर उधर धोखाबाजी हर एक जगह हो जाता है। यहाँ भी कितने गायों में ठगा गया हूँ, तो वहाँ से ठगाया तो कोई नई बात नहीं। दोस्तों, बाहर से गाय लाने में और अपने एरिया की होने में बहुत फ़र्क पड़ता है। एरिया की गाय कम भी दूध देती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये सबक सीख लिया है अब कि बाहर की गाय जो है उसको लाने से अच्छा है कि गांव में ही कोशिश किया जाए अपना ब्रीड तैयार करने का। सीमेन का समस्या है, उसको निदान करना ज़रूरी है। सीमेन का निदान भी होगा, लगे हुए हैं इसमें। अभी तक जितना जो था ये एक शौक था पंजाब से लाना और अच्छा दूध निकालना, लेकिन वो लगता है सपना पूरा नहीं होगा पंजाब से लाया हुआ गाय में। क्योंकि जो भी गाय लाया हूँ पंजाब से, सामने आपको बछड़ी दिख रही है, अभी बैक कैमरा करके आप लोग को दिखाता हूँ, अच्छे से बात बताता हूँ। चलिए वीडियो में बने रहिए। जैसे दोस्तों ये देख रहे हैं आपके सामने, ये बछड़ी है फर्स्ट टाइमर वाली। 1,05,000 में हमने बछड़ी लिया था और उसने बताया था 20 दिन टाइम है बच्चा देने में, 15 से 20 दिन टाइम है। ये भी बछड़ी एक ही किसान का था, ये भी नहीं है कि मंडी से लिया था, ये दोनों बछड़ी एक ही किसान से। इसके साथ और गाय थी, इसको भी बोला था 15 दिन और इसको भी बोला था 15 से 20 दिन लगेगा टाइम। तो इसने तो आई उसके सुबह ही बच्चा दे दी। इधर देखिए, ये नहीं बोलता हूँ किसान गलत बोला है, किसान गलत नहीं भी बोला होगा, हो सकता है 15 दिन पहले दे सकती है। लेकिन दोस्तों, मेरे को लगता है ये वाली गाय 15 दिन पहले बच्चा नहीं दी है, इसका टाइमिंग हो चुका था, उसमें भी झूठ बोला है। टाइमिंग सभी का पूरा हो गया है, उसने डेट सही से नहीं लिखा है या गलत बोला है, झूठ बोला है। लेकिन भगवान की दया, पैसा तो लगा है, लेकिन ये वाली बछड़ी दिल खुश कर रही है थन का बनावट से। जैसा क्वालिटी होना चाहिए पंजाब हरियाणा का देखते हैं हम लोग, वैसा क्वालिटी इसमें है। ये बछड़िया महंगा लिया हूँ 1,17,000 में, इसमें फंसाया हूँ, इसमें पैसा ज़्यादा लग गया है। क्योंकि जब उसने देखा इस गाय को इतना दे दिया तो इसका भी दे सकता है, क्योंकि उस समय 20 दिन टाइम बताया। तो अभी हम दिमाग सीधा लगाते हैं कि अभी और जाएगी और ऑर्डर भरेगी, लेकिन गलती बोला है उसने इस गाय में, और जो भी था कुछ हुआ, चलिए ठीक है। ये बछड़ी आज बच्चा दे देगी, अभी इसको मतलब बच्चा देने के कंडीशन में आ चुकी है, बच्चा देगी। अभी इसमें 1-2 घंटा टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी इसका पीरा चालू हुआ है, उठ बैठ कर रही है। गाय बच्चा देगी लगभग 1 घंटा के अंदर, बच्चा आधे घंटे में दे देगी। गाय का अडर बडर सब कुछ ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर ये 15 दिन के बाद बच्चा दी होती, हमारा फीड और हमारा फार्मूला पर ये खाली होती थोड़ा, तो दोस्तों बाछी बछिया का और क्वालिटी बन गया होता। लेकिन अफसोस नहीं है, ये वाली बछिया अभी तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। खाना पीना इसका चालू था, बंद भी नहीं की थी इसने। वहाँ से आई तो थोड़ा भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि इसको हरासमेंट हुआ, ये बछड़ी को ठीक रहा। ये वाली गाय में समस्या हुआ, आते ही बच्चा भी दे दी और जेर भी नहीं निकला। इसका जो था ट्रांजेक्शन ख्याल अच्छा से नहीं रखा गया ट्राई में, तो अब इसका कुछ जो हुआ हल्का फुल्का हम अपना दे चुके हैं। अब देखते हैं जेर का समस्या इसमें आता है कि नहीं आता है। अभी दोस्तों ये गाय जो है, दोनों गाय का अभी तक कंडीशन जो है, ये बता रहा है कि अभी तो टाइम बहुत है, क्योंकि इसका ऑर्डर का जो बनावट है वो बता रहा है कि हम बहुत भरेंगे। लेकिन अभी गाय आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि खा भी नहीं रही है। इस छोटा सा डबले में खिला रहे और इतना ही खा रही है, आधे इतना मतलब 1 kg भूसा भी नहीं खा रही है एक टाइम में, और 2 kg चोकर भी नहीं खा रही है। तो गाय कैसे तैयार होगी? थोड़ा समस्या तो होगा, 15 दिन सेटल होने में लगेगा। लेकिन अगर 15 दिन गाय, अगर हमारी जो गाभिन वाली गाय है 15 दिन अगर रह जाती है, तब तो ये दोनों गाय जानिए कि एकदम जोरदार बन जाएगी। नहीं रहेगी तब तो हमारा नुकसान है इस गाय में भी। चलिए, एक बार सबक सीखने को मिला। लेकिन दोस्तों, वीडियो हर एक बार बनाने में वो बात बताना भी ज़रूरी है कि पंजाब से अगर आप गाय लाने चाहते हो, भाई छोटे किसान हो, आपका अभी स्टार्टअप है, अभी शुरुआत है, आप भले 10 गाय रखे हो, आपको अभी शुरुआत ही बोला जाएगा 1-2 साल से हो। तो जब तक आप अच्छे से एक्सपीरियंस वाले ना हो जाओ, एक्सपीरियंस से ज़्यादा ज़रूरी है पैसा। दोस्तों, पंजाब हरियाणा से लाओगे तो पैसा ज़्यादा खर्च होने वाला है, तो आपके पास भरपूर पैसा होना चाहिए, कोई टेंशन वाली बात ना होना चाहिए। पंजाब हरियाणा से लाने के बाद मेंटेनेंस भी ज़्यादा हो जाता है, सब कुछ ज़्यादा हो जाता है गायों का। क्योंकि हमने जब से गाय 9 लाया है, इसके पीछे 1 लाख समथिंग हमने मल्टीविटामिन वैक्सीन में, दवा में, सब कुछ में लगभग खर्चा कर दिया है। तो मिला जुला के ये सब देखेंगे तो खर्चा भी ज़्यादा है, दूध भी ज़्यादा मिलेगा, एक प्रॉफिट सामने होगा, लेकिन जब होगा तब होगा। जितनी गाय बच्चा दी हुई लाए हैं, सभी गाय अभी एकदम ना के बराबर है, दूध किसी के पास नहीं है। सभी गाय 5 लीटर से 6 लीटर के अंदर है, रोज दोनों टाइम मिला के 10 लीटर के अंदर दूध है।
सभी गाय का मिल्क कैपेसिटी 30 लीटर से किसी का नीचे नहीं बताया है, केवल एक जर्सी का छोड़ के उसका केवल कम बताया है, बाकी सभी गाय का 30 प्लस का मिल्क कैपेसिटी बताया गया है। तो जो भी चीज़ है इसमें अब देखते हैं, या बच्चिया अगर बच्चा दे देती है आज तो क्या बच्चा देती है, आगे वीडियो बनेगा। इसने तो बछड़ा दिया, थोड़ा सा मन को दुखी कर दिया था, लेकिन ये वाली है जो अगर ऊपर वाले का दया रहा, सही से दे दिया तो तब तो हमारा ठीक है, एकदम बढ़िया हो जाएगा, आगे जैसा होगा देखिए। अब दोस्तों हम बार बार ये बताना चाहते हैं कि मतलब पंजाब से गाय लाने के लिए दलाल जो है पंजाब में, सभी लोग हमको कमेंट किए हैं, कम से कम मतलब 250 से 300 लोगों ने, 400 लोगों ने कमेंट किया है लगभग, हमने पूरा कमेंट जब तक देखा है अभी तक का मतलब आज का कमेंट ही नहीं देखा, तो आज के पहले जितना भी कमेंट आया है लगभग 250 के आसपास कमेंट आया था, उसमें से मतलब सभी लोग मतलब मान लीजिए मेरे को अच्छा खासा बोल रहे हैं। एक भाई हमको बोला कि इसका तो पैसा लगा नहीं है, लगा है किसी दूसरे का, तो किसी ने पूछा कि मतलब इसको पैसा देता कौन है, तो उसने बोला बैठा है कोई विदेश में और इसको एक भारतीय और इसको पैसा दे रहा है, बोटी पैसे वाली रकम वाली पार्टी तुम्हारे हाथ लगी है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर किसी के पावर हो गांड में तो तुम भी ले लो, मोटी पावर वाली पार्टी सभी को मिल जाती है भाई। मोटी पार्टी कोई फ्री में किसी को पैसा नहीं देगी, जिसका पैसा है मेहनत का है और उस पैसे का रिटर्न मिलना चाहिए, आज नहीं तो एक दो महीना चार महीना बाद मिलना चाहिए। पैसा जो लगा रहा है उसको खुद ही मालूम है कि कहाँ से पैसा आता है, यहाँ दो नंबर का एक पैसा नहीं है भाई, जो भी काम होता है अकाउंट से होता है, कैश वाला एक रुपये का यहाँ काम नहीं होता है, यहाँ तक कि रास्ते में हमने पुलिस को भी दिया है तो अकाउंट से दिया है, किसी को कैश नहीं दिया है। तो तुम बोलते हो तुम्हारा काम ही है, फ्री बैठे हो, तुम्हारे पास काम धंधा है नहीं, दूसरे का तरक्की देख कर जलना ही एक काम है तुम्हारे पास, ये तो है नहीं कि किसी को सहन दे। बिहार में इतना बड़ा मतलब काम हो रहा है कि मतलब जो चीज़ लोग सपना सोच रहे हैं वो हम मतलब एक हकीकत में लेकर आए हैं, और हम अपने बल पर नहीं जाए हैं, हम हर बार बोलते हैं, हर वीडियो में बोलते हैं कि सब भगवान की दया है और आप लोगों का दुआ है, सब कुछ आप लोग के मतलब आशीर्वाद से हो रहा है, लेकिन फिर भी जलने वाले की आदत हो गई है, जलना ना जाने क्या है मेरे में ऐसा कि जलन लोगों को हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, जलने वाला जलते रहे। एक भाई वीडियो बनाता है, उसका मैंने सुना था कि जब लोग जलने लगते हैं तो ही आप समझो कि हम अच्छे लेवल पर है, बाकी जब तक कोई जलेगा नहीं तो कुछ तुमने ज़िंदगी में उखाड़ा ही नहीं है। तो वही बात है, कुछ हमने थोड़ा बहुत कर लिया है तो लोगों का जलन होगा ही, और खुद का क्या यार, दूसरे का क्या बोलूँ, जब अपना ही लोग जलते हैं तो बाहर वाला जल लिया तो क्या कमी ज़्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ है दोस्तों, आप लोग कभी भी पंजाब से गाय लाने का सोचिएगा तो उसमें बड़े बड़े डेयरी फार्म वाले को ही देखिएगा, और जाते ही मेरे जैसा गाय नहीं खरीद लेना है, पहले उसको एक दिन दो दिन अपना ही जब पैसा खर्चा करना है यार, होटल में अपने ही रहना है, अपना ही खर्चा करना है, तो 2-4 हज़ार मान लीजिए अपना जाएगा ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े दिन हम सबर कर लेंगे, दो दिन रह के और अच्छा से किसानों का फार्म देख लेंगे या बड़े बड़े फार्म को घूम के देख लेंगे कि उसके पास ब्रीड है कि नहीं है, गाय है कि नहीं है। हमको तो जिसने दिलाया वो तो अपने पैसे के चक्कर में घूम घूम के इधर उधर से रात भर तो हमको पहले बिता दिया, ऐसे ही मंडी में घुमा के दो गाय खरीदवा के और बंद कर दिया, और दिन भर हमको नहीं घुमाया, शाम को 3 बजे के बाद फिर से दूसरे दिन घुमाने का काम लगाया, उसके पीछे का हमको अब रीजन मालूम पड़ा। सभी को उसने समझा दिया था कि तुम लोग ऐसा ऐसा दाम बताना क्योंकि मोटी पाटी हाथ लगी है, ये हकीकत बात है, सभी को बता दिया होगा कि तुम ऐसे ही करना, और उसी के चलते सब लोग जो है हमसे हाई फाई दाम मांगे और हाई फाई स्टैंडर्ड दाम बोले, हम अपने मर्जी से दाम लगाए, फिर भी उसने गायों में झूठ बोल के हमको फंसा लिया, गाय अच्छी लगी मेरे को इसलिए ले लिया, ये बछड़ी में कहीं से काटने वाला है नहीं क्योंकि ये बछड़ी जो है एकदम चारों तरफ से मस्त है। समस्या कहाँ है कि उसने दिन झूठ बोला है, 15 दिन 20 दिन 1 महीना बाकी बता के दिया है, तो हमको लालच हो गया कि जैसे 20 दिन बाकी है तो गाय और अच्छा तैयार होगी, बाकी दूसरा कुछ नहीं, और कोई कमी नहीं है, पंजाब से गाय ला सकते हैं, ब्रीड वहाँ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन आपकी कैपेसिटी हो तो वही लाना, शुरुआत में कोई भी पंजाब से गाय भाई लेना मत, ऐसा क्यों, क्योंकि आप शुरू में कहीं से थोड़ा बहुत कोई ना कोई लोन लेकर लेता है, कोई घर का किसी के पास, सभी के पास तो भाई 2-4 ही लोग ऐसे हैं जो घर का पैसा लगा के डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं, बाकी सभी इधर उधर से लेकर कहीं से किसी से लेकर अपने रिश्तेदार अपने भाई अपने दोस्त कहीं ना कहीं से लेकर पैसा, लोन हो कुछ भी हो, कुछ ना कुछ करके पैसा और डेयरी स्टार्ट होता है, क्योंकि डेयरी वाला मेरे को ये इतना तो अनुभव हो चुका है कि धरती पर डेयरी फार्म में वो आता है सीधा यही सोच के कि डेयरी फार्म एक आसान बिजनेस है, आज पैसा लगाए कल से पैसा आने लगेगा,
वही सोच के कोई भी आता है, दूसरा कोई इसके पीछे, और एक सेवा का रूप होता है कि हम गौ का सेवा करेंगे। गौ का सेवा करना भी एक, जिसके पास पैसा है वो ये सोच के आ जाते हैं कि हम गौ सेवा करेंगे और पैसा से पैसा भी कमाएंगे। जो पैसा कर्जे लेकर भाई या कुछ लेकर इधर उधर से काम कर रहा है तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। पंजाब की जगह अपने गाँव से ही लाइए, अपने एरिया से लाइए, क्योंकि ये गाय को देख सकते हैं ये कोई पंजाब हरियाणा से कम नहीं है। अभी भी इसके अंदर 10 दिन का दिन बाकी है, अभी 10 दिन में कैसी तैयार हो जाएगी। ऐसी गाय अपने बिहार में 70,000 तक मिल जाती है। और मेरे को जो सलाह देने वाले, कमेंट देने वाले हैं कि मंडी का, सभी मंडियों का नाम आप रखे हैं, हाजीपुर वैशाली कहाँ कहाँ का लोग का मतलब मंडी का नाम रखे हैं, तो भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, हमको सलाह देने का जरूरत नहीं है। मंडी पूरा ऑल बिहार का, पूरा बिहार का मंडी का मैं धंधा जानता हूँ कि क्या है, ये मेरे से नहीं छुपा है। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप अपना खुद का लगा लीजिए और ला लीजिए, हमको मंडी से, बिहार की मंडी से लेना नहीं है कहीं से, क्योंकि 2 नंबर का सारा काम होता है। 100 बार वीडियो बना चुका हूँ मंडी के ऊपर, तो मेरे को सलाह देने का जरूरत नहीं है, मैं मंडी से बिहार का नहीं लूँगा। हाँ, कोई किसान है, दलाल है, दलाल से ले लूँगा, क्योंकि दलाल के घर पर जाके दूध निकाल सकता हूँ, दलाल की घर की बछिया होगी। अब मंडी वाला यार एक दिन के लिए मंडी के लिए सौदा बनाते हैं लोग, दूध छोड़ छोड़ के गाभिन गाय को उल्टा सीधा खिला के तैयार कर लेते हैं, ये सब समस्या है, बाकी कोई ऐसा नहीं है। मंडी से कभी गाय नहीं खरीदना है आपको भी, मेरे अगर बात मानने वाले कोई है तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन है, मंडी से कभी गाय नहीं लीजिएगा, कितना भी आपको कोई भरोसा दिलाए। मैं बोलता हूँ कोई भरोसा नहीं है मंडी वाले का, मंडी में सब लोग बियाई हुई गाय का दूध छोड़ के ही लाते हैं, ये एकदम 100% सच है। बाकी जो भी है आपकी इच्छा है, आपका पैसा है, हमारा सब कुछ जो भी है, अभी जितना है फार्म पर सब कुछ अच्छा चल रहा है, जितनी गाय आई है फार्म पर पंजाब से सभी गाय स्वस्थ है, दूध का कोई अभी गिनती नहीं है, दूध इसका एकदम कम है, 9 गाय है, 9 गाय में से केवल अभी दूध, लगभग 9 में से गाभिन भी है, बाकी 9 गाय में से दूध भी कुछ खास नहीं हो रहा है। दूध धीरे धीरे बढ़ेगा, अब धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, 4-5 दिन के अंदर और टाइम पर आ जाएगा, सही दूध हो जाएगा। 20-25 लीटर तक दूध देती है अगर गाय तो कोई दिक्कत नहीं है, 25 से ऊपर जब चली जाती है तो कोई समस्या नहीं है, 25 से नीचे है तो नुकसान है। और चलिए आगे जो भी होगा अपडेट, गाय का बछिया आया कि बछड़ा आया वो अगले वीडियो में शॉर्ट में ज़रूर बता दूंगा, बाकी अभी तक जो भी है सब कुछ बढ़िया है। और बछड़ी को देखते हैं आगे नसीब अपना, बाकी सब अभी बहुत सारी गायें हैं बच्चा देने वाली, घर वाली भी सभी गाय अभी है, 2-3 गाय अभी इस महीना में बच्चा देगी, तो चलिए भगवान का दया है सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई कमी नहीं है, अभी कोई समस्या नहीं है फार्म पर, कोई बीमारी नहीं है, हल्का फुल्का तो बीमारी रोग आता रहता है, बुखार ये सब दर्द, तो वो सब कोई बीमारी में गिनती नहीं होता है, भगवान की दया से सब कुछ बचा हुआ है। और लंपी वायरस के लिए हमने आज एक दवा लाया है, उसका दवा का वीडियो कल आ जाएगा, वह दवा हमको किसी ने दिया है।